हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम लोग मास वेट डेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, अब मेरा चैनल आपको जीनियर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन क्लिक कर दें, अगर ज्वाइन बटन दिख रहा है तो उसको भी क्लिक कर दें। जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करता हूं आप उसको सेट रिमाइंडर ऑन कर दें, ताकि जब वीडियो जब लाइव हो तो आप उसको देख सकें। जी चलिए, तो हम लोग अभी तक मैंने सारा डिस्कस कर रखा है जी। हम लोग का सिलेबस तो खत्म हो चुका था, मास वेट डेंसिटी के वजह से क्या हुआ, हम लोग का सिलेबस पीछे रह गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तक बहुत टाइम है, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए जी, गलनांक, क्वथनांक और दाब पर प्रभाव। हमका हमारा इससे पहले हमने पास्कल लॉ वगैरह पढ़ रखा है जी। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है जी, पास्कल लॉ पढ़ा, आइंस्टीन बोस मैटर के हमने स्टेट पढ़ रखे हैं और द्रव के दाब हमने पढ़ रखे थे। लिक्विड में प्रेशर कैसे घटता है बढ़ता है हमने वो पढ़ रखा है जी। अब बढ़ रहे हैं गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्या जी, दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, तो गलनांक क्या होता है जी, कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है तो और भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से गलनांक कम होता है तो कम हो जाएगा और भी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसी को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लॉजिक याद रखिएगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, लॉजिक नहीं याद रखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा यही लॉजिक है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन में वृद्धि होती है। देखिए जी, अब हमने एक पॉइंट छोड़ रखा था, क्या बोला जी, बोला है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन में वृद्धि होता है उसके लिए मेरा रूल फॉलो होता है। कौन सा, जो हम नियम बताया वो किसके लिए है, जब पदार्थों के आयतन में वृद्धि होता है यानी दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक भी बढ़ जाता है जी। बोला है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम है, घी है, डालडा है, नारियल है, तेल इत्यादि। ठीक है जी, ये है। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको गर्म करने पर आयतन की कमी होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, ढलवा, लोहा, बिस्मत आदि। ठीक है जी, दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों के क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते हैं जी। अब देखिए जी, अब आते हैं थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। बोल रहा है कि जिन पदार्थों के आयतन बढ़ते हैं दाब बढ़ाने पर क्या होता है जी, उनका गलनांक भी बढ़ता है। अगर मान लीजिए उनको आयतन नहीं बढ़ता है, आयतन घटता है, तो गलनांक क्या होता है, घटता है। देखिए तीन केस हो गया, देखिए अभी तीन केस क्या हो गया कि आयतन बढ़ाने पे अगर उनका आयतन देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर आयतन बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने पे उनका गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आयतन जिस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, आयतन अगर घटता है, आयतन घटता है, बोल रहा है गर्म करने पर आयतन घटता है तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस है जी, दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक हमेशा क्या होगा जी, बढ़ेगा। और ये दो केस बन गए किसमें, गलनांक में बन गए। ठीक है, तो हमारे यहां से कंसेप्ट क्लियर होता है। हमने जो आपको बताया था वो क्या है जी, हमने जो कंसेप्ट बताया कि गलनांक घटेगा और क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है ना जी, वो कब बढ़ाया था, हमने एक आइडियल केस के लिए बताया था। ठीक है जी, यहां पे है अब पदार्थ की वॉल्यूम में क्या हो जा रही, अलग अलग इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे भी कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन जब भी आप पूछेगा कि गलनांक क्या होगा, जैसे वॉल्यूम के बारे में अगर नहीं दिया उन्होंने तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा कि कम होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है ना जी, ये मत कहिएगा गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लड़के ने, मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है, मैं बताना चाहूंगा सबसे, देखो मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें, देखिए अभी मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग पे ध्यान दे रहा था ना कि पढ़ाने पे, तो उसमें कुछ गलती हुई होगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि गलती, तो मैं उसमें रोक रोक के पढ़ा रहा हूँ, तो उस लड़का को लग रहा है कि मुझे खुद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये भ्रम में आप न रहें, मुझे जरूर आता है जी, इसीलिए मैंने पढ़ा रहा स्टार्ट किया है। तो वो पहला लेक्चर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, आप बाद वाले लेक्चर में देखिएगा, कोई भी गलत चीज मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे जिस चीज के बारे में नॉलेज है मैं उसी को, देखिए जो जो नॉलेज है मैं उसी उसी चैप्टर को पहले करा भी रहा हूँ, अगर नहीं नॉलेज रहेगा मैं उस चैप्टर को छोड़ भी दूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा जी। आप बात करते हैं फ्लोटिंग का, पलवन का, यानी फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए फ्लोटिंग का मतलब हुआ जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो ब्लॉक है क्या है जी, कुछ पानी में है, कुछ क्या है जी, पानी के ऊपर है, ये क्या है जी, पूरा का पूरा क्या है, पानी में है, लेकिन गहराई क्या है, थोड़ा और भी नीचे है, ये क्या है, और भी गहराई उसका नीचे है, लेकिन क्या है जी, ये पानी के अंदर क्या है, डूबा हुआ है।
तो देखिए फ्लोटिंग का मतलब हुआ कि ये वाला फ्लोटिंग में है, क्या है जी ये वाला फ्लोटिंग में है, क्यों है? क्योंकि कुछ पार्ट इसका क्या है वाटर से ऊपर है, कुछ क्या है जी वाटर के अपर लेयर के क्या है जी नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग, और इसको क्या बोलेंगे जी डूबा हुआ है। चलिए बोला है किसी वस्तु के फ्लोटिंग में पढ़े, किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। देखिए बोला है किसी वस्तु को द्रव में तैरने को, इसका तैरने का मतलब क्या हुआ जी, कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा पार्ट कह रहे ऊपर रहे, हो भी सकता है अगर ऐसा भी कोई मटेरियल जो बहुत ही हल्का रहे वो हो सकता है कि ऊपर रहे। पलवन वस्तु के भार एवं द्रव के अब उत्पेक्ष पर निर्भर करता है, क्या जी उत्पेक्ष पर निर्भर करता है। बोला पलवन किस पर निर्भर करेगा जी, तो उत्पेक्ष पर निर्भर करेगा। अब उत्पेक्ष क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी। देखिए जी जल के उत्पेक्ष का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था जी। उत्पेक्ष का मतलब यहां बोल रहा है कि बायोन्सी फोर्स के बारे में बोल रहा है जी, इंग्लिश में बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। यानी अब बायोन्सी फोर्स के बारे में किसने बोला था जी, उत्प्लावन बल के बारे में किसने बोला था, तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं जी आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं। तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत क्या दिया था पहले वो पढ़ते हैं, उसके देखिए ये जो डेफिनेशन है जरूरी है, इसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा जी। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, क्या है जी आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण रूप से भी है। देखिये आंशिक डूबा हुआ है, ये क्या जी फुल्ली डूबा हुआ है, तो वही बोला कि आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उसके विस्थापन आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है। तो जितना वो आयतन जो ये लिक्विड का आयतन विस्थापित किया है उसके बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल या उत्पेक्ष बल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, जो किधर लगता है ऊपर की तरफ लगता है, किधर लगता है ऊपर की तरफ लगता है, उसको क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। क्या होती है जिसके कारण क्या होती है जी, जो उसका रियल वेट है उससे क्या हो जाता है कम वेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं जी उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारा क्या हो रहा है जी, यहां से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है जी हमारे साथ, कि जो हमारा हाँ जी यहां देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, जैसे इस लिक्विड इसमें समझते हैं जी। तो अगर बात की जाए कि इसका जो वेट है, ठीक है जी, इसका वेट तो पूरा इतने वॉल्यूम में होगा, लेकिन इसका जो बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा केवल इतना ही वॉल्यूम में लगा, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम क्या है जी, इतना ही वॉल्यूम क्या किया लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, लिक्विड को हटाया है, तो जितना वॉल्यूम हटाएगा विस्थापित किया, लिखा रहे उस वस्तु को उसके विस्थापित आयतन के बराबर, उसके विस्थापित जो आयतन है उसके बराबर जो है एक बल ऊपर लगेगा जी। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए अगर पूरा ये डूबा है तो इसमें पूरा उसका क्या होगा जी, पूरे उसके डिस्प्लेस यानी विस्थापित आयतन के बराबर क्या रहेगा जी बल ऊपर लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब बात की जा रही है कि अब इसमें तो मान लीजिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है मास लग रहा है जी, क्या लग रहा है मास, जो वेट है एमजी, जो एमजी इसका लग रहा है नीचे रहेगा, ऊपर क्या लग रहा है बायोन्सी फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है जी एमजी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है बायोन्सी फोर्स लग रहा है। तो बात की जाए तो बायोन्सी फोर्स इसमें देखिए W1 W2 W3 बायोन्सी फोर्स दिखाया गया, W नीचे दिखाया गया। तो वही बोल रहा है लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का नाव पानी में क्या होती है तैरती रहती है। देखिए जी अब बात की जाए लोहे का ही किल है, लोहे का क्या है जी नाव, दोनों का डेंसिटी सेम ही है, लेकिन लोहे के किल तो डूब जाती है लेकिन लोहे का नाव क्यों तैरता रहता है, तो डेंसिटी तो सेम है लेकिन फिर भी क्या है जी जो डिस्प्लेस जो आयतन है, जो डिस्प्लेस जो वॉल्यूम है, तो लोहे का किल जो है वो क्या करती है, जो भी उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस रहता है वो क्या होता है जी, उसके द्वारा जो बल आता है वो उतना सफिशियंट नहीं होता है कि उसको क्या करे ऊपर की तरफ ढकेल दे, लेकिन जो लोहे की नाव होती है जितना वो आयतन क्या किया है जी विस्थापित किया है उसके से जो फोर्स आता है वो क्या होता है ज्यादा होता है उसके मास से, जिससे क्या होता है ऊपर की तरफ ही लगा रहता है जी। चलिए उत्प्लावन बल को बोल रहा है कि भार में आभासी कमी या हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बोल रहा है उत्प्लावन जो है बल है वो क्या है भार में आभासी कमी, जितना भार में कमी हुआ किसके वजह से हुआ है, तो उत्प्लावन बल के ही कारण हुआ है, जो किसके बराबर होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जो द्रव जितना द्रव हटाया है, जितना जो द्रव हटाया उसके क्या है जी हटाए गए उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा। ठीक है तो बात करते हैं W क्या है जी भार है, W1 क्या है उत्प्लावन बल है। केस वन लेते हैं, इसमें कितने केस है जी, हमारे पास तीन केसेस है, तो यहां देख सकते हैं कि क्या है जी तीन केसेस हैं, ये वाला केस ये वाला केस ये वाला केस। देखिए सब में बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है। देखिए पहला केस में बोल रहा है W1 ग्रेटर देन W, बोल रहा है W1 जो है पहला वाला केस कौन सा है इसमें,
ए वाला केस है जी, पहला केस ए वाला है। इसमें बोल रहा है कि जो डब्ल्यू वन है क्या है जी, ज्यादा है, यानी जो नीचे से फोर्स लग रहा है क्या है जी, वो ज्यादा है उसके मास से। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ज्यादा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ पार्ट रहेगा। चलिए अब इसमें आते हैं केस दो वाले केस में। इसमें क्या है कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो नीचे की फोर्स लग रहा है क्या है, दोनों बराबर है जी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। केस तीन की बात करते हैं। केस तीन में देखिए क्या है कि ये जो ब्लॉक है आके एकदम क्या है जी, परत से चिपक गया। इसका मतलब जो वेट है बहुत ज्यादा है डब्ल्यू वन से, तो वेट बहुत ज्यादा है, तो वेट बहुत ज्यादा है डब्ल्यू वन से, तो इसलिए क्या है, डूबेगा, बीच में रहेगा, तैरेगा। तो तीन केस हमने डिसाइड किया किसके वजह से हो रहा है, तो बायोन्सिप फोर्स की वजह से हो रहा है जी। आगे बढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आते हैं जी, हमारा लास्ट टॉपिक है। तो डेंसिटी क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व, घनत्व क्या होता है, उसके द्रव्यमान यानी क्या है जी, मास, और उसके वॉल्यूम यानी आयतन का अनुपात को क्या बोलते हैं जी, तो घनत्व बोलते हैं। यहां से आपने पता चल गया होगा डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। फॉर्मूला हमारे पास आ गया, घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है। मास के लिए क्या होता है तो केजी, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, केजी के लिए क्या होता है एम होता है, मीटर के लिए क्या होता है एल होता है, एल माइनस क्यू। तो ये सब तो बताना जरूरत है नहीं, आप समझ ही रहे होंगे कि हमने जो यूनिट डायमेंशन कवर किया, कितना हम लॉजिकली कंसेप्ट किया है, और उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको फॉर्मूला पता चल गया, हम क्या करते हैं, यूनिट डायमेंशन किसी भी चीज का निकाल सकते हैं जी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। बोल रहे हैं तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी में, पानी की अपेक्षा। देखिए अगर मान लीजिए कोई इंसान तैर रहा है, उस पानी में तैर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। बर्फ क्या होता है, तैरता है जी पानी में, मैनू भी क्या होता है पानी में तैरता है, तो इसका भी घनत्व कम होगा, इसका भी घनत्व क्या होगा, कम होगा। मक्खन क्या होता है जी, ऊपर तैरने लगता है, तो उसका भी घनत्व कम होगा दूध की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है, बादल अगर ऊपर तैरता है इसका मतलब क्या है, उसका घनत्व कम है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत, वह व्यक्ति को फ्लोटिंग स्टेट में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर दिया जाता है। देखिए अब क्या हो रहा है, लाइफ जैकेट में क्या हो रहा है जी, देखिए पहले क्या था कि हम एक आदमी है जो क्या है, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वाटर के अंदर जाएगा। अगर इसको लाइफ जैकेट पहना रहे हैं, तो लाइफ जैकेट क्या करेगा, इस इंसान को क्या बनाएगा, पूरी लाइफ जैकेट यहां से पहनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इतना बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसके द्वारा जो पानी ऊपर डिस्प्लेस करेगा क्या करेगा, अगर इतना ही पानी डिस्प्लेस करता तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, काफी हो जाएगा उसको ऊपर रखने के लिए। तो लाइफ जैकेट का यही कंसेप्ट होता है, लाइफ जैकेट आपको पूरा फूला रहेगा इधर से, ठीक है ना, एक हाथ रहेगा उससे भी फूला रहेगा, इधर भी फूला रहेगा सब, तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, फ्लोटिंग स्टेट में हमेशा रहता है जी। देखिये ये सब क्या है, बहुत अच्छे लॉजिक है, इन सब लॉजिक को याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में अब जो है आपको ऑप्शन दो चार ऑप्शन बना देगा, कौन सा ऑप्शन उसमें सही है आपको समझना पड़ेगा जी। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से मैं बता दूं कि रिलेटिव डेंसिटी से बहुत ही क्वेश्चन बनने वाले हैं जी, आपको प्लस टू वाले से भी। देखिए ये तो आपको फर्स्ट में है ही, पार्ट ए में तो है ही, स्टेज सेकेंड का पार्ट ए में है, तो इससे तो क्वेश्चन आना है। आपको भी पता है कि प्लस टू वाले भी पढ़ते हैं, टेंथ वाले भी पढ़ते हैं, तो इस चीज को सब कोई पढ़ता है, इसलिए इसको आना ही। आप एक्चुअली घनत्व का क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल कराएंगे, उसका बहुत ज्यादा करेंगे ली, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप एक्चुअली घनत्व क्या होता है जी, तो आप एक्चुअली घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी है, यानी डेंसिटी ऑफ कोई लिक्विड का निकाल लीजिए, डेंसिटी ऑफ किस लिक्विड का अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये हमको रिलेटिव डेंसिटी देगा। क्या देगा जी, रिलेटिव डेंसिटी देगा। अब देखिए डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का यूनिट तो नहीं होगा कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस होगा, ठीक है जी, यूनिटलेस होगा। देखिए लेकिन याद रखिए ऊपर हम किसका, नीचे किसका रखेंगे, तो वाटर का रखेंगे जी। चलिए तो ये क्या हो गया, वाटर के रेफरेंस में हम क्या रह रहे हैं, डेंसिटी ले रहे हैं जी। चलिए आगे पढ़ते हैं इस पॉइंट को, आगे पढ़ेंगे मैनोमीटर, बर्नौली थ्योरम खत्म करना है जी, बीट मार डेंसिटी हमको खत्म करना है जी। चलिए अपेक्षिक घनत्व, जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका अपेक्षिक घनत्व कहलाता है, ठीक है ना जी, जल के सापेक्ष यानी जल के क्या है जी, रिलेटिव में निकालेंगे, हमने अभी फॉर्मूला जो लिखा था वही लिखा था। अपेक्षिक घनत्व का मात्रा और विमा नहीं होती है, नहीं होती है। अब देखिए जो कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है बस उसी को क्या करना है, रिवाइज करना है, तो यही है कंसेप्ट, अगर पढ़िएगा तो आपको फायदा रहेगा, नहीं पढ़िएगा तो आप रटते रहिए जी, रटते रहिए, एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी रटने का काम न करें। आप बहुत सारे चैनल है, उन सब चैनल को कंपैरिजन कीजिए मेरा लेक्चर उन लोगों के लेक्चर से, बहुत फर्क आ जाएगा। हाँ मैं फैसिलिटी नहीं दे सकता, आपको पीडीएफ नहीं दे सकता, इसलिए तो बुक आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन मैं उसी लॉजिक को क्लियर कर रहा हूँ। इस बुक में बहुत सारी गलती है, मैं उन्हें सारे करेक्ट करा दिया हूँ आपको,
आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने का शुद्धता को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए बोला अपेक्षित घनत्व से लगाया जा सकता है। देखिए डेंसिटी कितना वो डूबेगा कितना नहीं डूबेगा उससे क्या जाएगा, उसकी शुद्धता पता चल जाती है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है, बोला है पारा में क्या होता है, तैरता है मरकरी मतलब, किंतु पानी में डूब जाता है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए पारे में क्या है जी, यहाँ मान लीजिए लिक्विड है, क्या है ये मरकरी है, मरकरी है, तो मरकरी में क्या है जी, लोहा का कील डूब गया, लोहा का कील क्या है जी यहाँ पे डूब गया, डूब गया। अगर मान लीजिए वाटर है, वाटर में क्या है जी, सॉरी ये वाटर है, इसमें क्या हुआ डूब गया, मरकरी है, मरकरी में क्या है जी यहां तक मरकरी है, तो यह क्या है कील ऐसा है जी, कुछ कील ऐसा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है जी, मरकरी भारी है तभी तो ये नहीं पूरा डूबा है, तो इसका क्या है जी डेंसिटी मरकरी का ज्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है वाटर का डेंसिटी कम है, तो डूब गया इसमें। तो ये देख सकते हैं लोहे का, वही बोला है लोहे का एक गोला तैरता रहता है, पारा में तैरता है, तो पारा में तैरता है इसका मतलब क्या है जी, पारा क्या है, पारा का डेंसिटी ज्यादा है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे की अपेक्षित घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, तो लोहे का क्या है अपेक्षित घनत्व पारे के घनत्व से क्या होता है कम होता है, तो पारे का इसके घनत्व मतलब क्या हुआ जी ज्यादा हुआ, पारे का घनत्व क्या हुआ ज्यादा हुआ, इसीलिए क्या होगा ऊपर रहेगा, और वाटर का कम रहता है तो क्या होता है इसमें डूब जाता है। यही लॉजिक है, बस उसी चीज को क्या करेगा घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। हाइड्रोमीटर पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोमीटर किस पे काम करता है जी, तो हाइड्रोमीटर क्या बताता है, तो डेंसिटी बताता है, डेंसिटी बताने की किस पे, तो पलवन के सिद्धांत पे काम करता है, आर्किमिडीज के जो पलवन सिद्धांत है उसी पे काम करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर किस पे है जी, ये भी क्या है हाइड्रो, एक प्रकार का हाइड्रोमीटर जो दूध की घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता बताता है। देखिए बर्फ पानी में तैरती है, उसके आयतन का 1/10 भाग क्या होता है पानी के ऊपर होती है 9/10, ये तो आप लोग रट ही रखे होंगे जी बहुत बार कि 1/10। देखिए क्या होता है, अगर बात की जाए तो देखिए वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1000, ठीक है जी, 1000 पर केजी डेंसिटी होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। अगर बात की जाए आइस का, तो आइस का होता है 9000 केजी पर मीटर क्यूब, 1 केजी है। तो यहां से क्या होता है, देखिए यहीं से पता चलता है कि कितना, देखिए अभी 9 है, ये क्या 1000 है, तो कितना देखिए अब 9000 को करना है तो क्या हो जाए 9000 इसको अंदर आना पड़ेगा, तो 9000 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/9/10 भाग, तो हिस्सा अंदर आ जाएगा, 9/10 भाग हिस्सा जाएगा, और 1/10 भाग क्या रहेगा ऊपर रहेगा, इससे क्या रहेगा इसका 900 को बैलेंस करना इसको से, तो क्या हो जाएगा। वहीं आइस क्या होता है जो आपको 1/10 भाग क्या रहता है जी ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है, क्योंकि 9/10 भाग क्या करेगा इसका 9/10 भाग क्या हो जाएगा जी, इसका 9/10 अगर वाटर का लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा ना, तो यही तो बैलेंस कर देगा इसको, इसी सब लॉजिक है जी, इस लॉजिक को बस समझिए। तो बर्फ का घनत्व बोल रहे हैं वही 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब हम क्या लिखे थे केजी पर मीटर क्यूब में लिखे थे जी। किसी बर्तन का पानी भार और उसके पर बर्फ तैरती रहती है, बोला किसी बर्तन में पानी भरा है तो उस पर बर्फ तैरती है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी पात्र में पानी की तल अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसको बात को समझिएगा, बोल रहा है देखिए कुछ ऐसा है ये पानी है पूरा, ऐसे बर्फ है जी, ठीक है ना, तो इसका जो अब अगर हम लोग बर्फ है, अगर बर्फ से आइस से अगर लिक्विड में जाता है तो क्या होता है जी इसका वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम क्या होता है घटता है, और वॉल्यूम घट के क्या होगा इतना ही बराबर हो जाएगा, इतना ही के बराबर हो जाएगा जी, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा पूरा बर्फ गलेगा तो इतना ही वॉल्यूम में क्या हो जाएगा जी पूरा आ जाएगा, तो इससे क्या होगा फाइनली ये जो लेयर है वो चेंज नहीं होगा, वही बात बोल रहा है जी, ठीक है ना, वही बात बोल रहा है यहाँ पे, किसी बर्तन में पानी भरा उस पर बर्फ तैर रही है पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी का बर्फ परती रहेगा, पानी का तल पहले के समान ही रहेगा, बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघल कर नीचे से पिघलता है, बोल रहा है बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघल नीचे पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल में अधिक दाब के कारण बर्फ की गलनांक कम होता है, ठीक है जी। अब बर्फ का गलनांक क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है घटता है, तो वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी घटेगा, लॉजिक बना, तो प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या घटेगा, तब जो ये मेरा आइस का मान लीजिए स्लैब है बहुत बड़ा आइस क्या है जी लैंड है, तो क्या है मान लीजिए बर्फीला जरिया, तो यहाँ पे क्या होगा प्रेशर तो ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा जी यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, तो पहले आइस यहाँ से पिघलना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ से क्या करेगा यहाँ से पिघलना स्टार्ट करेगा, वही बोल रहा है बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघल कर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल में अधिक दाब के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। मैनोमीटर क्या मेजर करता है जी, सरल वायुदाब मापी सिंपल बैरोमीटर, 14 वायुदाब मापी, निर्दब वायुदाब मापी, ऊंचाई मापी
अल्टीमीटर बोलते हैं इसको, ये सभी यंत्र द्रव दाब एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं जी, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जी, तो देखिए मैनोमीटर किस पे काम कर रहा है जी, तो मैनोमीटर गैसों के दबाव के मापने का प्रयोग किया जाता है, तो गैस में कितना प्रेशर है उस मैनोमीटर को मेजर किया जाएगा जी। बैरोमीटर अल्टीमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। वायु दाब मापी तो प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है जी। निर्द्रव वायु दाब मापी, ये सब क्या है जी, प्रेशर ही मेजर कर रहे हैं। चलिए अब चल रहे हैं बैरोमीटर की तरफ। बैरोमीटर क्या करता है जी, देखिए अब बैरोमीटर में बात है, तो बैरोमीटर में ये बहुत सारे आप लोग पढ़ रखे होंगे। देखिए बैरोमीटर में तीन चार केसेज हो सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है। बैरोमीटर का जो रीडिंग है अचानक क्या हो जाए, बैरोमीटर क्या मेजर करता है जी, तो वायुमंडल का प्रेशर मेजर करता है। अब ऐसा भी हो सकता है प्रेशर क्या करे, एकाएक डाउन हो जाए, तो अगर प्रेशर एकाएक डाउन होता है, अगर प्रेशर एकाएक डाउन होता है, बैरोमीटर का पदांक एकाएक गिर जाएगा, तो क्या है इसका मतलब आंधी आने की संभावना है जी। अब इसको तो हमको याद करना है, इसमें हम लॉजिक नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर है कि आंधी आ रहा है जी, पदांक धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, इसका मतलब क्या है, वर्षा होने की संभावना है। पदांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे मैंने साफ दिन होने वाला है जी। पनडुब्बी जल में डूब कर तैर सकने वाली जलयान है, पनडुब्बी जल में डूब कर तैर सकने वाली जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी क्या करती है जी, जल के अंदर जाके चलती है। आपने देखा होगा जो अभी एक मूवी आई थी, क्या आया, कौन सी आई थी, जो पाकिस्तान के पनडुब्बी को हिट की थी, ब्लास्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान ये भी नहीं बताया था कि वो उसका पनडुब्बी कैसे ब्लास्ट किया है कैसे नहीं किया है, वो तो उसको भी छुपा लिया। तो वही मूवी था, उसमें आप लोग देखिएगा जो पनडुब्बी क्या है, हमेशा पूरी मूवी में नीचे ही नीचे दिखाया जाता है। तो पनडुब्बी क्या होती है, नीचे तैरती है वही जलयान में, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करती है। उसमें क्या किया जाता है कि गैस को रिलीज किया जाता है, उसमें आप मूवी अगर देखे होंगे तो आपको एक दो स्टेप देखने में पता चल जाता होगा कि उसमें क्या क्या किया जा रहा है। प्रेशर उसको ऊपर लाया जा रहा है, नीचे लाया जा रहा है, दो तीन बार लाया जा रहा है, उसका बहुत सिस्टम खराब होने के बावजूद भी, तो आप उससे समझ सकते हैं कि वहां पे जो काम किया जा रहा है किस पे काम किया जा रहा है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही काम किया जा रहा है जी। उसको वॉल्यूम क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और उसका वॉल्यूम कैसे कम किया जाएगा, तो उसमें जो एयर है उससे किया जा रहा है जी, घटा बढ़ा के। घनत्व और अपेक्षिक घनत्व, चलिए जी, घनत्व क्या होता है, मास ऑफ वन वॉल्यूम होता है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व क्या होता है जी, वस्तु का घनत्व क्या होता है। अच्छा जी, चलिए घनत्व का एक सिंपल फॉर्मूला है, वस्तु का घनत्व बोला है वस्तु का जल में डूबा आयतन अपॉन वस्तु का घनत्व, जो वस्तु का जल में डूबा आयतन है अपॉन वस्तु का घनत्व गुने जल का घनत्व। देखिए जी, वस्तु का अगर घनत्व निकालना है तो जल के घनत्व के कंपेयर में, तो क्या करेंगे जी, बोल रहा है कि वस्तु का जल में डूबा आयतन, वस्तु का जो जल में डूबा हुआ आयतन है अपॉन वस्तु का डेंसिटी अपॉन गुने जल का डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद में नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अपेक्षिक घनत्व इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है, पिंड का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो पिंड का अपेक्षिक घनत्व मतलब देखिए पिंड का घनत्व अपन जल का घनत्व, देखिए मैं जब भी बोलूंगा अपेक्षिक घनत्व जब भी आएगा तो क्या होगा, जल नीचे आएगा जी, ठीक है ना, ऊपर रहेगा उसका नीचे रहेगा जल, क्योंकि जल के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, जल के सापेक्ष में ही निकालते हैं। वस्तु का अपेक्षिक घनत्व देखिए, वस्तु का अपेक्षिक घनत्व है तो अब ये आयतन के टर्म में है जी, तो अब ये कैसे फॉर्मूला बना है, देखिए लॉजिक समझिए यहाँ पे, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ वन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर जैसे रहेगा उसका उल्टा क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए ऊपर लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी अगर लिख रहे हैं, तो ऊपर डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, वाटर। तो डेंसिटी यहाँ पे अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, लिक्विड का अपन वॉल्यूम ऑफ किसका, वाटर का। तो वहीं रहे वस्तु का द्रव में डूबा आयतन, द्रव में डूबा आयतन मतलब क्या है जी, वाटर है। अब वस्तु का कुल आयतन, वस्तु का कुल आयतन लिक्विड का, तो देखिए वही है उल्टा हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहाँ वस्तु देखिए किधर आ गया, नीचे आ गया, यानी पिंड क्या है, नीचे आ गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में क्या होता है, उल्टा होता है, और डेंसिटी में क्या होता है, सीधा होता है। इस बात को याद रखिए, कंसेप्चुअली याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए जल का घनत्व याद रखिएगा, 1000 होता है कि केजी मीटर क्यूब होता है, ग्राम में रहेगा तो 1 रहेगा। बर्फ का क्या होता है, 900 केजी मीटर क्यूब होता है, बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है जी। तो यहां से हमने क्या निकाला जी, अब चलते हैं बर्नौली के प्रमेय पे। हम लोग बर्नौली का सिद्धांत जो है, बर्नौली का प्रमेय की बात किया जाए, चलिए जी, बर्नौली थ्योरम। इसके अनुसार जब भी कोई
देखिए जी, बर्नौली थ्योरम ने जो दिया था एनर्जी कंजर्वेशन था। एक्चुअली क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन था। बात की जाए तो कितने तरह के एनर्जी के बारे में जानते हैं जी, तो देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं जी, और एक प्रेशर के टर्म में भी जी एनर्जी जनरेट किया जाता है। इसी प्रेशर से तो क्या किया जाता है, टर्बाइन चलाया जाता है जी। तो एक होता है पीवी प्रेशर वाला, हाफ एमवी स्क्वायर प्लस एमजीएच बराबर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है जी। यही तीनों एनर्जी क्या होता है, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें क्या किया गया है, आपको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया गया। वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए तो पी हो जाएगा, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। इसको मैं डी लिख दे रहा हूं, ये वी स्क्वायर। मास को वॉल्यूम से करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा रो जी एच, डेंसिटी को क्या लिखेंगे, रो लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। यहां से आप समझ सकते हैं जी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है। यानी ये जो भी एनर्जी है क्या होगी, एक पॉइंट पे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी पाइप में, ये पाइप है, इस पॉइंट पे अगर निकालते हैं और इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो इस तीनों एनर्जी का सम यहाँ पे, इस तीनों एनर्जी का यहाँ पे सम बराबर क्या होगा, यहाँ पे तीनों एनर्जी का सम के बराबर हो जाएगा। ये होगा ही होगा, ये क्या है, कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। चलिए जी, ये बोला इस, अब पढ़ लेते हैं थ्योरी। अब मैंने जो बताना था मैं बता दिया, इतना ही कंसेप्ट था। अब देखिए, एक के अनुसार जब कोई असमपिंडीय या असायन द्रव जब गैस के एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होते हैं, उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक इकाई आयतन का कुल ऊर्जा दोनों सिराओं पर नियत रहती है। बोला है कि देखिए कोई भी द्रव है जो क्या है, दबाया नहीं जा सकता, जिसके साइज चेंज नहीं किया जा सकता। तो वही बोल रहा है कि अगर एक रेखा में प्रवाहित होती है तो बोल रहा है कि उसके प्रति इकाई आयतन, किसी मैंने उसका ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, यानी वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया था, इसमें वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया था, वही बोला प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन क्या रहेगा, ऊर्जा दोनों सिराओं पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगी, वही बोल रहा है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हुआ है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको यूज करेगा। इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है। बोला है गतिज ऊर्जा के बढ़ने से क्या होता है, दाब घटता है, और गतिज ऊर्जा के घटने से दाब घटता है। जब ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, देखिए बोल रहा है परमेय में गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है जी। गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखिए ये पाइप है, ये पाइप है जी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो वाटर जा रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ जाए, बहुत तेजी से पानी बाहर निकलने लगे, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे दाब कम हो जाएगा ना ऑलरेडी। यहाँ पे जो प्रेशर अभी है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगी, पानी कम धीरे धीरे निकले तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वही प्रेशर ज्यादा ज्यादा पानी जल्दी जल्दी निकलेगा तो क्या प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से, यानी वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगा, दाब घट जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा घटे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ सकते हैं आप लॉजिक, बर्नौली प्रमेय से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। वही बोला कि यहां से अगर मान लीजिए वाटर डालेंगे, यहां से क्या है जी, पाइप के एक सिरे से अगर वाटर डाल रहे हैं, दूसरे सिरे से वाटर निकल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, उसको बराबर होगा। अब इसमें वॉल्यूम है, प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है, सब एनर्जी है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे बर्नौली थ्योरम दिया था। तो बोला कि वेंचुरी जो मीटर होता है, इसी का प्रयोग करता है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण कौन कौन से, जिसके सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाए। द्रव की प्रवाह ज्ञात करना है तो किसे ज्ञात करेंगे जी, तो वेंचुरी मीटर से करेंगे जी। एटोमाइजर, ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण, इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा स्प्रे किया जाता है। इसके उपयोग से चित्रकारी, रंगाई, छिड़कना, नाक कान की डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है ना जी। एटोमाइजर का यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर वगैरह जो स्प्रे वगैरह होता है वो किस पे बनेगा, कितना नहीं बनेगा, फुहारा कब बनेगा, नहीं बनेगा, ये सब उसी पे है जी। वैक्यूम क्रिएटर क्या जी, फिल्टर पंप है, ये बर्नौली के सिद्धांत पे ही काम करता है, ठीक है ना। उसमें क्या करता है, उसमें एयर लेता है, आपको भी पता है वैक्यूम पंप क्या करता है जी, एयर लेता है, एयर लेकर क्या करता है, जो जो बहुत सारी चीजें होती है उसको क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से ही होता है, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह सब क्या करता है, सॉरी वॉल्यूम प्रेशर और वेलोसिटी क्या करता है, मैनेज किया जाता है। अब बर्नौली का उदाहरण, तेज आंधी आने पर टीन की छत क्या होती है, उड़ जाती है जी। अब देखिए तेज आंधी आती है तो क्या होगा जी, उड़ जा रहा है बोल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे की छत की परत होती है, जो नीचे होती है उसमें क्या होती है, यहाँ पे तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है, यहाँ पे जो एयर जा रहा है वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, एक गैप जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, ये भी क्या होता है, उठ जाता है जी। कमानीदार तुला के नीचे चमड़ा हिलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ता है। कमानीदार तुला गमछा हिलाने से बोल रहा है गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वही कंसेप्ट है, दाब घट जाता है जिस
जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोग दूर हटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, ये भी समझ लीजिए, सब वही लॉजिक है बर्नौली का ही। हवाई जहाज बोला है ऊपर उठने की क्रिया को बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है, जबकि हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार पे ऊपर उठता है। हवाई जहाज वायुमान जो ऊपर उठने की प्रक्रिया पे बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर क्या होता है जी, क्रिया प्रतिक्रिया पे, लेकिन वायुमान किस पे करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है जी। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जहां गहरा होगा वहां द्रव स्थिति की दाब अधिक होगा, बर्नौली प्रमेय के अनुसार वहां जल का वेग कम होगा, अर्थात जल शांत होगा। चलिए तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन क्लिक कर दें। मेरा दो चैनल है, मैं बता देना चाहूंगा, मेरा दो चैनल है मेरा। अगर पुराना वाला वीडियो आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप पुराने वाले चैनल पर जाएंगे जी, ऑनलाइन रेलवे स्टडी है, और मेरा नया चैनल जीनियर स्टडी है, जो आपको नए जो भी वीडियो आएंगे आपको यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।